दोस्तों अभी लगभग 6:58 हो रहा है, 6:58 सुबह में। काफ़ी लोग जो है ब्लॉक में आ चुके हैं, लाइन पे लग चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं फिर से ब्लॉक और आज हम लोग हैं साइकिल में। पहले तो मैंने सोचा कि रनिंग करते हुए जाऊँगा लेकिन लेट हो चुकी थी। लगभग जो है मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है ब्लॉक, तो 4:30 बज लगभग बज चुके थे, 4:38 हो चुके थे। 4:38 में मैं घर से निकला, अभी जो है 5:45 हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है निकल गए हैं साइकिल पर। या देख सकते हैं कदम रसूल में है अभी हम लोग, अलीम चौक कदम रसूल। तो अच्छी तरह से मैंने जैकेट वैकेट पहन लिया है और जो है देखिए पूरा अंधेरा रास्ते में, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉक में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने सैमसंग हेल्थ में साइकिलिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसमें जो है डाटा रिकॉर्ड होगा। चलिए इसलिए मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है यहाँ पे लगभग टाइम तो पता नहीं चल रहा है, कैमरा ऑन है, तो लगभग जो है 5 किलोमीटर लगभग जो है 3 मिनट में मैंने कवर किया अपने इस खटरा साइकिल से। अभी आप देख सकते हैं हम लोग ब्लॉक में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो चारों तरफ बंद है, अभी आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है गेट पे। तो आज मेरा नंबर जो है पहले होगा लाइन में और जल्द से जल्द जो है 11 बजे काउंटर खुलने के बाद हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो मैंने जो है हलीम चौक से 4:43 में शुरू किया था और यहाँ पर जो है लगभग 5 मिनट से पहले ही मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी 5 बज रहे हैं, पूरे 5 बज रहे हैं। तो बीच में यहाँ पे ब्लॉक चौक से और ब्लॉक तक का 1 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही खटारा है रास्ता, इसलिए इसमें लेट हो गया, नहीं तो और भी जल्दी हम लोग पहुँच जाते। और मैंने घर से जो है मैं घर से निकला था 4:38 में और यही अपडेट आप लोगों को देना चाहता था। ये आप देख सकते हैं हम लोग सब ब्लॉक में है, अभी अभी गेट खुला है। हम लोग सब जो है बाहर ही वेट कर रहे थे, अभी 6 बजे गेट खुला है तो हम लोग अंदर आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 बजे से जो है कितना नंबर है, सबसे पहले मेरा ही नंबर है, तो काफ़ी खुशी है आज मुझे। आज इन चाचा लोग का नंबर है, देख सकते हैं सब अपने मतलब काम छोड़कर जो है। ये स्थिति है ब्लॉक की, किशनगंज ब्लॉक बिहार भैया डांगी, ये देख सकते हैं। मतलब एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मतलब जो 1 हफ्ता आपको घूमना पड़ेगा, और नहीं तो सुबह 4 बजे आइए। 15 दिन हो गया दौड़ने से, 15 दिन हो गया, 15 दिन से दौड़ रहे हैं। आज जो है सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 5 बजे से पहले, तब जाके जो है फर्स्ट नंबर पे लाइन पे नंबर लगा है मेरा। और जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाना है आज मुझे, देखते हैं अप्लाई हो पाता है कि नहीं। तो यही अपडेट आप लोगों को देना चाहता था। सुबह जो है 4:38 में मैं घर से निकला और यहाँ पर जो है 5 बजे से पहले पहुँचा ब्लॉक, लगभग 7 किलोमीटर है मेरे घर से। तो यही अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप भी ब्लॉक में कुछ काम करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कितना जो है मुश्किल से जो है काम हो पाता है। ये सारे बच्चे जो है अपने स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए हैं, देख सकते हैं। कल भी आए थे और सब घूम के गए हैं मेरे साथ। कल 7 बजे पहुँचे थे तो 8 नंबर पर नंबर लगा था, तो लेडीज़ का लाइन में भी 8 नंबर और जेंट्स में भी 8 नंबर, तो 8 × 16 यानी 16 नंबर पीछे था मैं, तो इसलिए कल काम नहीं हो पाया। इन लोगों का भी नहीं हुआ, ये लोग मेरे आगे थे, तो आज देखते हैं ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग ब्लॉक में जो है अभी लगभग 7 बज चुके हैं लगभग, और सारे लोग बहुत सारे लोग जो है ब्लॉक में लगभग 8-10 लोग जमा हो चुके हैं, लाइन पर लगे हुए हैं। कुछ लोग चाय पीने गए हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये मतलब जो स्थिति है ब्लॉक की, आप देख सकते हैं ब्लॉक का कैंपस काफ़ी बड़ा है और पीछे ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है, बहुत ही मोटा। और ये आप देख सकते हैं इधर सारा पीछे ऑफिस है SBI का, स्वरोजगार योजना वाला, और ये सारा देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।